प्रिय मित्रों, आज हम सब भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य गुण पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप महत्वपूर्ण काव्य गुणों को जान पाएंगे, काव्य गुणों की विशेषताओं से परिचित हो पाएंगे, काव्य गुणों की परंपरा को जान पाएंगे एवं जो महत्वपूर्ण काव्य गुण हैं उनकी विशेषताओं से अवगत हो पाएंगे। तो मित्रों, हम लोगों ने पिछले अध्याय में काव्य लक्षण के संदर्भ में आचार्य मम्मट के द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षण, जो उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में दिया था, पर विचार करते हुए देखा था कि आचार्य मम्मट ने काव्य को दोष रहित एवं गुण सहित माना था। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। आचार्य मम्मट ने गुणों से युक्त काव्य को श्रेष्ठ काव्य माना था एवं इसके साथ उन्होंने दोष राहित्य पर काव्य में दोष की उपस्थिति कम से कम हो या न के बराबर हो, इस पर विशेष बल दिया था। तो मित्रों, अब हम काव्य गुण पर चर्चा करते हुए यह देखेंगे कि गुण काव्य के नित्य गुण हैं। जिस प्रकार पुरुष की शोभा गुणों से होती है और महिलाओं की शोभा शील से होती है, विभिन्न प्रकार के शील से, उसी प्रकार से काव्य की शोभा गुणों से होती है। कवि रहीम का वह दोहा मुझे याद आता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब हीन, मोती रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब हीन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो जिस प्रकार से मनुष्य के लिए सम्मान स्वाभिमान आदि गुण महत्वपूर्ण हैं, उसके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं है और चमक के बिना मोती मोती नहीं है, हम यह कह सकते हैं कि काव्य गुणों के बिना साहित्याचार्यों की दृष्टि में काव्य काव्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। काव्य गुणों की परंपरा पर जब हम विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में काव्य गुणों पर विचार किया है एवं उन्होंने 10 काव्य गुण माने हैं। श्लेष प्रसाद समता समाधि माधुर्यम ओज माधुर्यम ओज पद सौकुमार्यम अर्थस्य च व्यक्ति उदारता च कांतिश्च काव्यस्य गुणा दशयते। एक बार पुनः देख लें, श्लेष प्रसाद समता समाधि माधुर्यम ओज पद सौकुमार्यम अर्थस्य च व्यक्ति उदारता च कांतिश्च काव्यस्य गुणा दशयते। अर्थात काव्य में निम्न दशगुण श्लेष प्रसाद समता समाधि माधुर्य ओज पद सौकुमार्य अर्थ व्यक्ति उदारता कांति इत्यादि होते हैं। आचार्य भामह ने भी आचार्य भरत के द्वारा दिए गए इन 10 काव्य गुणों को स्वीकार कर लिया है, किंतु उन्होंने
प्रसाद एवं माधुर्य गुण को विशेष महत्व दिया है। आचार्य दंडी ने भी गुणों को 10 ही माना है। दंडी के पश्चात आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में गुण का प्रयोग रीति के अर्थ में किया है और उन्होंने विशिष्ट पद रचना को रीति कहा है तथा उसे गुणयुक्त होना अनिवार्य माना है। विशिष्ट पद रचना रीति विशेषोसा गुणात्मा। आचार्य वामन के पश्चात आचार्य भोजराज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में काव्य गुणों को 2 भागों में बांटा है, शब्दगुण एवं अर्थगुण। इन्होंने शब्द गुणों के अंतर्गत 24 गुणों को स्वीकार किया है एवं अर्थ गुण के अंतर्गत 24 गुण स्वीकार किए हैं। इस प्रकार आचार्य भोजराज ने गुणों की संख्या 48 तक पहुंचा दिया है। पुनः इन्होंने शब्द गुण को बाह्य गुण कहा है एवं अर्थ गुण को आंतरिक गुण माना है काव्य का। आचार्य भोजराज के पश्चात काव्य गुणों के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण सरल सुबोध व्यवहारिक कार्य किया गया है वह आचार्य भट्ट के द्वारा उनके ग्रंथ काव्य प्रकाश में हुआ है। आचार्य मम्मट ने प्रसाद, ओज एवं माधुर्य इन 3 गुणों को मुख्य रूप से प्रधान गुण माना है एवं शेष गुणों का उन्होंने इन्हीं 3 गुणों में समायोजन कर दिया है जो एकदम सही है। प्रसाद गुण, ओज गुण एवं माधुर्य गुण ही प्रधान गुण हैं एवं कमोवेश सभी गुणों का समावेश इन 3 गुणों में हो जाता है। आचार्य विश्वनाथ एवं पंडित राज जगन्नाथ ने भी आचार्य मम्मट के द्वारा किए गए इस वर्गीकरण को सहर्ष स्वीकार किया है। तो मित्रों, अब हम एक एक करके इन 3 महत्वपूर्ण काव्य गुणों पर विचार कर लें। हमारा जो पहला काव्य गुण है वह प्रसाद गुण है। मित्रों, प्रसाद का अर्थ होता है सरल एवं सुबोध, अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही तत्क्षण तुरंत अर्थ ज्ञान एवं अर्थ की प्रतीति हो जाए उसमें प्रसाद गुण होता है। स्वच्छता, स्पष्टता एवं चित्त को तुरंत प्रसन्न करने वाला गुण प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण की जो संरचनात्मक विशेषता है उसके अंतर्गत इसमें अल्प समास का प्रयोग होता है, मतलब समासों का प्रयोग अल्प होता है, कम होता है, और इसके साथ ही इसमें कोमलकांत पदावली का प्रयोग होता है एवं कठोर वर्णों का अभाव होता है।
वात्सल्य रस, शांत रस, श्रृंगार रस इत्यादि रसों में प्रसाद गुण व्यवहृत होता है। अब हम कुछ उदाहरण देख लें। पहला उदाहरण है, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने। और दूसरा उदाहरण, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। मित्रों, प्रसाद गुण के बाद हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण काव्य गुण है वह ओज गुण है। ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप या दीप्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि ओज गुण वह काव्य गुण है जिसको पढ़ते ही सुनते ही हमारे हृदय में ओज, प्रताप एवं दीप्ति का संचार हो। जो उमंग एवं उत्साह की भावना से हमारे हृदय को, हमारे अस्तित्व को परिपूर्ण करते, परिप्लावित करते, वह गुण ओज गुण है। और इस प्रकार के ओज गुण से संपन्न काव्य रचना हमारे हृदय को उदात्त भावों से भर देती है। अब हम जो ओज गुण की जो संरचनात्मक विशेषता है उस पर थोड़ा विचार कर लें। तो मित्रों, ओज गुण में, ओज काव्य गुण में कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। इसमें समासों की बहुलता होती है, बड़े बड़े समास, बड़े बड़े संयुक्ताक्षर वर्ण प्रयोग होते हैं, टकार वर्णों के प्रयोग की अधिकता होती है। और ओज गुण का प्रयोग मुख्य रूप से वीर रस, विभत्स रस, रौद्र रस एवं भयानक रस में पाया जाता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लें। पहला उदाहरण महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचना, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभाषम उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। यह काव्य रचना ओज गुण से संपन्न है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, महाकवि भूषण का एक छंद, इंद्र जिमी जंभ पर बाड़व सुवंभ पर, इंद्र जिमी जंभ पर बाड़व सुवंभ पर, रावण शदंभ पर रघुकुल राज है। मित्रों, ओज गुण के पश्चात हमारा जो तीसरा और अति महत्वपूर्ण काव्य गुण है वह माधुर्य गुण है। नाम से ही स्पष्ट है कि जिस काव्य को
पढ़ने सुनने से हमारे हृदय में मधुरता का संचार हो जाए, हम अस्तित्व के स्तर पर माधुर्य भाव से परिपूर्ण हो जाए, हमारे हृदय में प्रेम करुणा श्रृंगार इत्यादि कोमल भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति हो जाए, वहाँ माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण की संरचनात्मक विशेषताओं के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इसमें भी समासों का अल्प प्रयोग होता है, कोमलकांत पदावली प्रयुक्त होती है, रुक्ष एवं कठोर वर्णों का प्रयोग अत्यंत वर्जित माना जाता है एवं कर्णप्रिय मधुर ध्वनियों का प्रयोग विशेष रूप से माधुर्य गुण से संपन्न रचना में होती है। इसका प्रयोग श्रृंगार रस, शांत रस इत्यादि में विशेष रूप से होता है। माफ करेंगे, श्रृंगार रस, करुण रस एवं शांत रस में भी माधुर्य गुण का प्रयोग विशेष रूप से होता है। अब हम कुछ उदाहरण देख लें। पहला उदाहरण मित्रों, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैनावने विशाल, वसु मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा की इस रचना में माधुर्य भाव की सहज अभिव्यक्ति हुई है और हम सब यह जानते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण की उपासना माधुर्य भाव से की है और यहाँ माधुर्य गुण है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुने। मित्रों, मधुर गुण माधुर्य गुण के संदर्भ में मुझे बिहारी का एक दोहा सहज ही स्मरण में आ रहा है, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही शोक बात। यह दूसरी बात है कि इस दोहे में महाकवि बिहारी ने टकार वर्ण का प्रयोग किया, किंतु इस दोहे में संयोग श्रृंगार की इतनी तीव्र सहज एवं मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है कि रुक्ष वर्णों का प्रयोग हम भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रेम करुणा एवं भक्ति से परिपूर्ण हृदय दुनिया के कष्टों से पीड़ाओं से ठोकरों से मुक्त हो जाता है, तो मित्रों आज हम लोगों ने काव्य गुणों पर विचार किया। इस पाठ को समाप्त करने से पूर्व हम लोग एक बार पुनः
संक्षेप में निष्कर्ष के रूप में कुछ पंक्तियों को देख लें। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण हैं। आचार्य भरत ने 10 गुण माने हैं, जिनको आगे चलकर आचार्य मम्मट ने 3 प्रमुख गुणों प्रसाद गुण, ओज गुण एवं माधुर्य गुण में बांटकर शेष सभी गुणों को इनमें ही समाहित कर दिया है। काव्य गुण काव्य के नित्य धर्म हैं, इनके बिना श्रेष्ठ काव्य की रचना असंभव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।